आपके सिस्टम में यूएसबी रियर यूएसबी काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉइल्स लगे हुए हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कॉइल्स लगे हैं, यहाँ पे जूम करके देखें तो ये कॉइल्स हैं जिनके वजह से ये ओपन हो जाते हैं। तो ये काम यूएसबी सेक्शन हमारा काम नहीं करता, कोई एक पोर्ट काम करता है, कुछ नहीं काम करता। चलिए चेक करके जानते हैं, देखते हैं कि रियल में क्या ऐसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे फ्रंट पे लगाता हूँ तो एक यूएसबी पोर्ट हमारा यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस करता हूँ तो हमारा डिस्प्ले यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा, देन उसके बाद से रिस्टार्ट हो गया। उसके बाद से फिर हम दूसरे पोर्ट में ट्राई करेंगे तो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं आएगा, सॉरी डिस्प्ले यूएसबी काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पोर्ट में लगाया हूँ, यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये काम कर रहा है बिल्कुल, ये वाला पोर्ट सेकंड वाला। और तीसरा वाला चलते हैं लगा के देखते हैं, और तीसरे वाले में चेक करेंगे तो तीसरे वाले में देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तीसरे वाला भी काम कर रहा है। और चौथा वाला भी हम चेक करेंगे तो चौथा वाला भी हमारा यहाँ पे फाइनली ओके है। अब चेक करेंगे पांचवा भी ओके है, ऐसे छठा चेक करेंगे। तो इस तरह से आप इसको चेक करके ट्रबल शूटिंग करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं इजीली। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपका फ्रंट नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे कॉइल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले, इनको चेंज करिए, आपका जो यूएसबी है काम करने लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।